संभव नहीं है कि हम संसार की कामना मन में रखे रहे और भगवान की उपासना भी कर ले। अतएव यह मार्ग निकाला गया कि हमारी जो कामना संसार संबंधी है वो चूंकि आनंद के लिए ही है, और जब हमारी बुद्धि में ये बात ठीक ठीक बैठ जाए कि आत्मा का आनंद संसार में हो ही नहीं सकता, और हम लोगों ने अनंत जन्मों में अनंत बार अनंत ऐश्वर्य यानी संसारी सुखों का अनुभव प्रैक्टिकल किया है, अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा है कि 0.1% भी हमको उससे चैन नहीं मिला, अशांति ही बढ़ती जा रही है। अतएव इस संसार संबंधी कामना को डाइवर्ट कर देना है, घुमा देना है, ईश्वरीय क्षेत्र में इसको मोड़ देना है। इस मोड़ने में हमको परिश्रम अवश्य पड़ेगा, क्योंकि संसार की कामनाओं को बनाने में, उसकी प्रैक्टिस करने में हमने बहुत समय और बहुत एनर्जी समाप्त की है, तमाम जन्मों का हमारा अभ्यास है, इसलिए उस अभ्यास को हटाने में भी कुछ समय लगेगा, लेकिन अधिक समय नहीं लगेगा। यदि हम कटिबद्ध हो जाए, ये निश्चय कर ले कि हमारा आत्मा वाला सुख संसार में नहीं है, तो संसार से मन को हटाने का अभ्यास प्लस श्यामा श्याम में लगाने का अभ्यास हम प्रारंभ कर देंगे, और इस अभ्यास के करने में जो जो हम श्याम सुंदर में मन लगाते जाएंगे तो संसार से फिर हटने लगेगा। कोई भी काम संसार में जैसे हम पहले करते हैं फिर होने लगता है, करना प्रैक्टिस, होना नेचुरलिटी, करना साधना, होना सिद्धि। जैसे आप लोग ये संकीर्तन करते हैं, भगवान नाम लेते हैं, ये भगवान नाम आप प्रारंभ में लेते हैं, कोई भी प्रारंभ करेगा उपासना तो उसको यही करना पड़ेगा, वो भाव कुभाव कैसे प्रारंभ करे यहीं से प्रारंभ होगा, और जब आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो उसके बाद भी यही करना पड़ेगा।
केवल रस में अंतर हो जाएगा। अभी आप जब भगवान नाम लेते हैं और आपको जो एक साधारण सा सुख मिलता है, यही सुख बढ़ते 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 अनिर्वचनीय हो जाएगा, अनंत मात्रा का हो जाएगा। आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं ना, गौरांग महाप्रभु वगैरह सब जितने महापुरुष हमारे यहाँ टॉप के हुए, गोपियों को ले लो, यादो हने वहनने मथनो पले पप्रें खेंख नार भरुदितो क्षण मार्जना दो। आजकल तो हमारे यहाँ श्रीमती लोगों को बहुत काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि मशीनों का युग हो गया है, आटा पीस के आ गया, धान कूट के आ गया, हर काम मशीन से हो रहा है। इसीलिए मैम साहब लोग प्राय बीमार रहती हैं, क्योंकि फिजिकल वर्क करना नहीं पड़ता, शारीरिक व्यायाम पड़ता नहीं, घर में बैठे बैठे छोटा मोटा काम भले ही कर ले अपना, तो व्यायाम न करने से शरीर कमजोर हो जाता है। लेकिन गोपियों के जमाने में तो कोई मशीन का युग नहीं था, वो बेचारी सारा घर का काम करती, दो हमें गाय धो रही है, धान कूट रही है, आटा पीस रही है, गोबर पाथ रही है, प्रत्येक घर का वर्क, झाड़ू लगाना कुछ भी समझ लो, सारा वर्क करती थी। ये फिजिकल वर्क होता था उनका, लेकिन ये सारा वर्क करते हुए करती क्या थी, गायन चैन मधुरो सुगंधो। श्याम सुंदर का नाम गुण ये गाती रहती थी काम करते समय भी, और ऐसे वैसे नहीं, क्योंकि उनको पहले स्वरूपा है, महापुरुषों में भी सर्वोच्च क्लास प्राप्त है, उस क्लास के प्रेम से युक्त आनंद के आंसू बह रहे हैं और श्याम सुंदर के नाम गा रही है और घर का काम कर रही है। गायन्ति चैन मधुरस्तभिः श्याम सुंदर में उनका चित्त संलग्न था, यही चरण जो ये गायन्ति उनका नाम गुण गाना भले ही न हो, ये कंपल्सरी नहीं है, मैंने बार बार आप लोगों को संकेत दिया है, क्योंकि आज के युग में ऐसा सबके लिए निभ नहीं सकता, समाज को देखकर चलना पड़ता है। अरे जरा सत्संग में चलो वैसे, अरे भाई आजकल तो राधे राधे करने लगे हैं, तो बड़े भगत हो गए हैं, लोग टॉन्ट करते हैं, यद्यपि वो दो चार दिन की बात है, फिर अभ्यास हो जाता है, चलो इसी बहाने ये भी तो राधे राधे बोलता है, ये हमारे लिए टॉन्ट करता है तो खुद भी तो राधे राधे कहना पड़ता है इसको। अच्छे जब हरिदास को गुंडे मार रहे थे, जगाई मिलाई, तो वो बोलते थे मारते समय और हरि बोल, जितने डंडे मारे उतने बार कहे और हरि बोल, तो वो उनके आंखों से आनंद के आंसू बहते थे, कुछ तुम और मारो लेकिन और हरि बोल बोलते जाओ, तुमसे हम पुलवाए ले रहे हरि बोल, जितनी बार तुम लठिया मारते हो उतनी बार कहते हो और हरि बोल, और फिर वो हरि बोल बोले संत, तो फिर गए और हरि बोल, देखते हैं कब तक तो बोलता है हरि बोल। तो यद्यपि कुछ दिनों में अभ्यास हो जाता है सबको, अच्छा भगत तो कह रहा है, कोई नास्तिक तो नहीं कह रहा है, कोई बुरी बात तो नहीं कह रहा है, टांट में सही, अब फिर ये अगर इसका बिचारे का भी ये सौभाग्य हो जाए हमारे शरीर का, तो ये क्यों कहता, ये दयनीय है,
गुस्सा करने की बात नहीं है, इसके बिचारे के भाग्य में, इसके संस्कार में ये सब नहीं था। अगर हमको ही भगवान की ये कृपा और सौभाग्य न प्राप्त होता तो हम भी दूसरे को देखकर ऐसे ही कहते, बड़े राधे राधे बोलने लगे आजकल मेरे जी, बड़े भगत हो गए। तो इसलिए किसी की ऐसी बात पर शुरू शुरू में जरूर थोड़ी सी फीलिंग होती है अहंकार के कारण, बाद में उसको अब विरोध फिर आनंद आने लगता है। ठीक है ये सब बोलेंगे हमको पता है, और हमारे परोक्ष में सब आपस में बात करते होंगे ये भी पता है, इसलिए उसको फीलिंग नहीं होती, अभ्यस्त हो जाता है। फिर भी आज के युग में गोपियों की तरह हम नहीं कर सकते, यद्यपि गायन संकीर्तन हर समय हर काम करते हुए, लेकिन हम स्मरण तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई रोक नहीं। अगर घर भर खिलाफ हो हमारे, मान लो एक स्त्री है, उसका पति भी खिलाफ, बाप भी खिलाफ, ससुर भी, सास भी, जेठ भी, सब खिलाफ है, भगवान का नाम मत लेना हमारे घर में, ठीक है नहीं लेंगे, लेकिन हम मन से प्यार करेंगे, इसको आप क्या कर लेंगे। अरे गोपियों के पति भी अनुकूल नहीं थे, वो जब काम करने जाते थे तो गोपियां अपना गाती थी, और जब वो आ जाते थे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, से आंसू क्यों निकल रहे हैं तुम्हारी याद कर, अरे कहने में क्या अरे कुछ भी बहाना कर दो, हमारे आंसू क्यों निकल रहे हैं ये हम क्यों बतावे ऐसी बात। तो जितनी भी प्रेमी होते हैं ईश्वरीय मार्ग के, वो अपने प्रेम को छुपाते हैं, उनको छुपाना चाहिए यथाशक्ति, इस धर्म है गोपनीयम 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 प्रयत्न भाव। अगर किसी के हृदय में बुद्धि में ये भावना आ गई कि हमको लोग भक्त कहे तो गड़बड़ हो गया, तो कुसंग में पड़ गया, लोग रंजन की बुद्धि हो जाएगी, फिर अहंकार बढ़ जाएगा, फिर वो भाव मिट जाएगा, तो यथाशक्ति छुपाना चाहिए। हमने एक पन बनाया है इस विषय में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक गोपी को सात्विक भाव का उद्रेक हो रहा है, दूसरी पूछ रही है हरी तोए कहा भयो का छूना, एक गोपी पूछती है तुझको क्या हो गया है आजकल, ये कुछ तो नहीं, मुझे क्या हुआ, अरे हुआ कैसे नहीं, मैं तेरी सहेली हूं और दिन रात साथ रही हूं हमेशा से, ये कल परसों से तेरे में इतना परिवर्तन कैसे हो गया, पहले तो नहीं था, अरे क्या हो गया है। कहा विसूरत बैठी मौन गई, तू चुपचाप बैठी बैठी क्या विसूरती रहती, विसूरना कहते हैं गंभीर चिंतन, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो, कोई न सुनाई पड़ रहा है, न कुछ देखने के संसार की इच्छा हो रही है, किसी खास विषय में चिंतन में लगा है कोई आदमी, उसको विसूरना कहते हैं, कोई बड़ी मुसीबत सीरियस बात में ऐसा करते हैं लोग। अरे वो कहा विसूरत बैठी मौन गई, सखी उत्तर देती है ब्रह्म रूप निज काही हरि थोए कहा भयो कछु नाही। अरे सखी मैं एक लेक्चर सुनने गई थी एक बाबा जी का, तो उन्होंने कहा कि जीवात्मा ही परमात्मा है, तो मैं वही सोचा करती हूँ कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। इसी चिंतन में मैं रहती हूँ मौन, आंख बंद करके सोचा करती हूँ। अच्छा तो कातरतानु कंप, तू रह रहे कि तेरे शरीर में कंप होता है, सारा शरीर तेरा कांपने लगता है, ये कौन सा ब्रह्म ज्ञान है। ये जो पूछने वाली सखी है इसको भी सात्विक भाव का उद्रेक होता है, इसलिए ये खास जगह और खास पॉइंट पर इशारा कर रही है कि अगर तू अपने को ब्रह्म समझती है
तो ये तप क्यों होता है? अरे सखी ऐसा हुआ कि कल में भागवत सुनने गई थी। अच्छा, तो उसमें 28 प्रकार के नरकों का वर्णन बताया गया, पंडित जी ने बताया था, अभिचि वगैरह, कुंभपाक वगैरह, 28 प्रकार के नरक लिखे हैं भागवत में, बड़े बड़े भयानक, ऐसे डरावने, ऐसे दुख प्रद है वो नरक। तो सखी जब मैं उन नरकों को सोचती हूं तो डर के मारे कांपने लगती हूं, इसलिए कब तक भी हो जाती है वो नरक की याद कर। अच्छा, तो कातर तालु कंप दरी सखी सोचत नरक दुखन मन माही अरि तोय कहा भयो कछु नाही। अच्छा, तो ये तेरे आंखों से आंसू क्यों निकलते? कातरोवती, तू रोती क्यों है? रोती नहीं हूं सखी, है तो आंख से पानी निकल रहा है, तो क्या तू आंख में कोई कड़वा तेल लगाए है? नहीं सखी, तू नहीं जानती, आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म एक ठंडे। ये आंख से जो पानी निकलता है ये दो प्रकार का पानी होता है, एक गर्म गर्म होता है, एक ठंडा ठंडा होता है। जब विरह के आंसू निकलते हैं तो गर्म होते हैं, और जब आनंद के आंसू निकलते हैं तो ठंडे होते हैं। तो जब मैं सोचती हूं कि मैं ब्रह्म हूं तो बड़ा आनंद आता है, तो आनंद के आंसू निकलते हैं। इसीलिए तो कहती है, अच्छा तो कत दीर्घ निश्वास, तू लंबी लंबी सांस क्यों लेती है रहने से? दीर्घ निश्वास वियोग में होता है, ये लंबी लंबी सांस क्यों लेती है रुक रुक करके? अरे वो सखी तो नहीं जानती, तो अभी उस जगत में गई नहीं, इस जगत में हो सकी ऐसा है कि वो प्राणायाम सीख रही हूं आजकल। तो प्राणायाम में क्या होता है कि तीन चीज होती है, कुंभक पूरक रेचक, यानी श्वास को धीरे 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 एक तरफ के नाक बंद करके चढ़ाओ, ये कुंभक, और फिर दोनों नाक बंद करके श्वास को रोक लो, तो पूरक फिर कुंभक फिर रेचक फिर धीरे धीरे उसको निकालो, ये प्राणायाम होता है। तो लंबी लंबी सांस की प्रैक्टिस कर रही हूं क्योंकि अभी नई नई मैं दाखिल हुई हूं ज्ञान मार्ग में, तो उसमें अष्टांग योग है, उसमें प्राणायाम भी है। अर्थात गोपी अपने प्रेम को छुपा रही है, यहां तक छुपाती है कि समाधि हो जाती है और लो दही के स्थान पर लो गोविंद कहने लगती है, लो गोपाल ऐसा बोलने लगती है। बिखे तु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादात्मित चित्त वृत्ति दध्यादिकम् मोह वशादवोचत् गोविंद दामोदर माधवे। लो दही की जगह पर लो गोविंद लो दामोदर, दूसरे के बच्चे को तू बेच रही है? तू कौन होती है बेचने वाली? लो दही के स्थान पर लो गोविंद लो दामोदर लो माधव बोलने लगी। हाँ समाजी, लेकिन अगर कोई पूछ बैठे ऐसी क्यों बोल रही? अरे मैं कह रही हूं कि हे दामोदर दही ले लो, ये मेरा मतलब, यानी ब्याज बहाना प्रेम को छुपाना। तो यहां तक हो सके प्रेम को छुपाना चाहिए, इस सिद्धांत है। लेकिन फिर भी अगर प्रेम नहीं छुपता है, प्रकट हो जाता है, तो डरना भी नहीं चाहिए। कोई हमको बुरा कहेगा, कोई बुराई करेगा, बाहर में जाए बुराई उसकी, हमारा कौन साथ देगा मृत्यु के बाद?
मृत्यु के बाद तो हमारी ही साधना हमारी साथ देगी और कोई साथ देगा नहीं। चाहे कोई प्रशंसा करने वाले हो और चाहे कोई बुराई करने वाले हो, ये दोनों यही रह जाएंगे। लेकिन यथासंभव हमें बचना है, क्योंकि लोक रंजन की बुद्धि ये जो सूक्ष्म अहंकार है ये बड़ा खतरनाक होता है। चार आदमी तारीफ करने लगे बस गया मरा बेमौत, हमेशा बचना चाहिए। तो हमें यद्यपि उस समय के अनुकूल यह समय नहीं है, लेकिन फिर भी हम मन से प्यार करने वाली बात को तो कर ही सकते हैं। जैसे एक कुलटा स्त्री किसी पर पुरुष से प्यार चोरी चोरी करती है, अपने घर में नहीं बताती है, इस प्रकार हम श्याम सुंदर से प्यार को कर ही सकते हैं। और अगर हमारे सास ससुर पति स्त्री सब श्याम सुंदर के प्रेमी हो तब तक तो कोई झगड़े नहीं, सोने में सुहागा तो डिक्लेयर करो। लेकिन अगर कहीं किसी के घर में अड़चन है तो उसके लिए हम बता रहे हैं कर्मयोग की साधना इस प्रकार से कि मन का प्यार उसका रहे श्याम सुंदर में। सुमिरन की सुधियो करो, कैसे जो सुरभि सुत माही, सुमिरन की सुधियो करो जो सुरभि सुत माही, और कह कबीर चारो चरत लेकिन बिसरत कबहू नाही। एक गाय जानवर दिन भर चारा चरती है लेकिन अपने बछड़े की याद है, याद करती रहती है, ये कर्मयोग की साधना है। और जब शाम को लौटती है चारा चरने के बाद और गौशाला के पास आती है तो वो जो चोरी चोरी प्यार कर रही थी थोड़ा थोड़ा वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो रभाती है, बड़े जोर से बोलती है, चिल्लाती है, अपने बच्चे को पुकारती है और बच्चा भी उसका माँ की आवाज पहचानता है, तो खूंटे में बंधा हुआ उसका बच्चा भी आवाज देता है मम्मी जल्दी आ जाओ। ये देखो पशुओं में भी इस प्रकार का विषय है, मनुष्य की कौन कहे। तो हमें इस प्रकार कर्मयोग की साधना करना है, अर्थात हम कार्य करते हुए भी बार बार एक बात का तो यह अभ्यास करें कि हम अकेले नहीं हैं, कभी भी एक क्षण को भी। इसका आप लोग घंटे घंटे भर में पहले अभ्यास कीजिए, अब अधिक समय नहीं ले रहे हैं, एक घंटे में एक सेकंड बस, एक मिनट नहीं, जितनी देर में आप यू यू खुजा लेते हैं यू यू कर लेते हैं। कोई भी वर्ग आपका संसार में ऐसा नहीं है कि समाधि लग जाए। अरे भाई हर काम करते समय ऑफिस वर्क करते समय भी आप देख लेते हैं कभी इधर को, कभी सोच रहे हैं कुछ, कभी छींक आ गई, कभी खांसी आ गई, ये तो होते रहता है आपको संसार में वर्क करते समय भी। तो आप घंटे भर में एक सेकंड, जैसे आप मेज आपके सामने एक कुर्सी पर बैठे हैं, मेज के एक किनारे पर आप मन से श्याम सुंदर को बिठा दीजिए, बैठ गए, अब तुम देखो मैं वर्क करता हूं, एक घंटे होंगे बैठे हो ना, हाँ बैठे, बैठे हो ना, हाँ बैठे। एक एक घंटे के बाद हमने ये रियलाइज किया कि श्याम सुंदर हमारे पास है, हम अकेले नहीं, हमारी प्राइवेसी आज से खत्म, हम कोई बात प्राइवेट सोच नहीं सकते, हमें अधिकार नहीं सोचने का, क्योंकि वो भीतर बैठे नोट कर रहे हैं ये आकाश के बाद, हमने उनको भीतर से बाहर बिठा दिया है। प्रत्यक्ष देखो, अब बस मैंने ऐसे आंख किया बस इतनी देर, हम आंख क्यों कर रहे हैं मेज की इस कोने में किसी को क्या पता, हम ऐसी दीवार की तरफ यहां खड़ा कर दिया श्याम सुंदर को। अब थोड़ी देर में अपना 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18 एक सेकंड को देख लिया, इसमें अपना क्या बिगड़ता है, कौन जान सकता है हम क्या काम कर रहे हैं, क्यों देखा हमने। अरे भाई संसार में
सभी लोग ऐसे ही वर्क करते हैं। तो घंटे घंटे पर हमने ये रियलाइज किया कि श्याम सुंदर हमारे साथ है, देख रहे हैं। फिर आधा घंटे पर एक सेकंड को, फिर 15 मिनट पर एक सेकंड को। तो जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे तब आप अनुभव करेंगे कि अब ऐसा लग रहा है कि हर समय वो साथ है, हर समय वो साथ है। हमें उनका पूरा रूप ध्यान नहीं करना है, हमें केवल ये फीलिंग लाना है मेरे प्राण बल्लभ मेरे साथ, मैं अकेला हूं। हर समय इतना आत्मबल होगा आपको, कितनी खुशी होगी आपको, मेरे श्याम सुंदर सदा मेरे साथ है, मेरे गुरु सदा मेरे साथ है। ये इन दोनों को हमको हर समय अपने साथ महसूस करने का अभ्यास करना। फिर कुछ दिनों में आपको करना नहीं पड़ेगा, ये भूत लग जाएगा आपके पीछे अपने आप। अरे देखो मामूली चीजें होती हैं संसार की, सिगरेट बीड़ी कोई चीज, और आप जब बहुत अभ्यास हो जाता है तो वो, अरे वो क्या वो पोपड़ी में आ जाती है, अपने आप पिंच करती है और आपको परेशान कर देती है। हमारे इसी जिले में प्रतापगढ़ में बहुत पुरानी बात है, यहाँ पर एक स्त्री बैठी है, महिला वो जानती है, एक मजिस्ट्रेट थे, वो इतनी सिगरेट पीते थे कि लिंक थी उनकी सिगरेट की, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दिन भर रात भर जब तक वो जागे। उस सत्संग में हमारे आए, उनकी बच्चे सभी थे, पूरी फैमिली, डिप्टी कलेक्टर भी थे, मजिस्ट्रेट भी थे, पुलिस इंस्पेक्टर भी थे, और भी जितने भी वहां के ऑफिसर थे, सब हमारे सत्संगी थे, बहुत पुरानी बात। तो रात रात भर सत्संग हो और 12-1 बजे तक तो डेली हुआ करता था। तो जब हम लेक्चर दे रहे हैं, कीर्तन करा रहे हैं, तो वो अपना हो थोड़ी देर में चले जाए चुपके से उठ के ऐसे करके और दूर जा करके अपना हम कुछ देर बाद लौटा रहे। तो एक वहां कचरा टैंक है प्रतापगढ़ में राजा साहब का गेस्ट हाउस, वहां हम लोग सत्संग करने जाने लगे थे, पूरी बस भर करके और पूरी रात सत्संग हो, और सब ऑफिसर उनकी बच्चे बीबी सब 50 आदमी, और पूरी रात सत्संग करे, सवेरे आए और कोर्ट में ही लाओ लोग। जब गोविंद वल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर थे यहां पर हमारी, सरोजिनी नायडू गवर्नर थी, शुरू शुरू में स्वराज्य हुआ था उस समय की बात। तो शिकायत की गई ऊपर तक कि साहब प्रतापगढ़ में एक बाबा जी आए हैं, वो रात भर कीर्तन कराते हैं, ऑफिसर लोग कोर्ट में औघाते हैं, वो क्या बयान सुनेंगे, क्या जजमेंट देंगे। यहां तक बात पड़ गई थी। तो वो मजिस्ट्रेट साहब जो इतनी बार बार उठे आने जाए, तो मैंने चेक किया एक बार कि क्या करने जाते हैं बाहर, क्या बात क्या है आप, और वो ओट में जाकर के अपना सिगरेट जलाए, जल्दी 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 पिया अपना, पी करके वहां से फिर चले आए, फिर बैठ सुनने लगे। अब इतनी देर में तो विषय कितना आगे निकल गया, एक सेंटेंस न सुनो तो विषय समझ में नहीं आएगा, फिलोसफी का सब्जेक्ट ऐसा है। और तो इतनी देर गायब रहे। बहरहाल हमने चेक कर लिया कि ये सिगरेट के भयंकर बीमार है। तो बस 2-3 दिन बाद ही हमने जब चेक किया तो
हम चुपके से गए उनके पास, तो हमने उनकी जेब में हाथ डाला और उनके तीन चार पैकेट जूठे सिगरेट के सब निकाल लिए। हमने कहा आज तो हम सिगरेट पिए। नहीं राजी ने उनका नहीं पिए, हमारा शौक सवार हुआ है हमको। तो तीन तीन चार चार सिगरेट इकट्ठा जला के इकट्ठा पीना शुरू किया। जल गया मेरा मुंह, लेकिन मैंने सारी सिगरेट पी डाली और रात भर का जागरण था। हमने कहा अब तुम सिगरेट पियो क्या पियोगे, तुम जिंदा रहते हो कि मर जाते हो, रात भर में हम देखते हो। मेरे छाले पड़ गए, पड़ जाए कोई बात नहीं। उन्होंने सिगरेट छोड़ दिया, खैर इतना फायदा होगा। तो देखो ये संसारी चीजें छोटी छोटी जिसको पीछे लग जाती है जड़ वस्तुए, जब वो खोपड़ी में आ कर करके हमको जगाती रहती है और कहती है हमको पियो, तो श्यामा श्याम में तो परमानंद है। जब उनको हम बार बार चिंतन करेंगे तो वो तो रसानुभूति भी देंगे, वहां तो पावर भी मिलेगी स्पिरिचुअल, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इसलिए फिर तो आपको बड़ा सरल लगेगा, बिल्कुल अभ्यास हो जाएगा वही कि आपका मन ही न लगेगा, आप सोच ही नहीं सकते कि मैं अकेले हूं कभी। ये साधना आपको कर्मयोग संबंधी करनी है। इस साधना से आप आस्तिक बनने का अभ्यास करेंगे। अभी आस्तिक नहीं है, आस्तिक का मतलब होता है अस्ति एवं दृढ़ा मतिर जस्य स आस्तिका, भगवान मेरे साथ सदा है, यह सदा फीलिंग में रहे तब वो आस्तिक कहलाता है। और आधा घंटे को आप पूजा में बैठ गए उस समय तो है, अब बाकी 23.5 घंटे आप अकेले, आप यही रियलाइज कर रहे हैं मैं अकेला जो मैं सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। बीवी के खिलाफ सोच रहे हैं, बाप के खिलाफ सोच रहे हैं, माँ के खिलाफ सोच रहे हैं, नौकरी के खिलाफ सोच रहे हैं, प्राइवेट, और आप समझते हैं प्राइवेट 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 चली चलेगी वहां। एको देव सर्वभूतेषु बूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा नोट कर रहा है, वहां प्राइवेसी नहीं चलेगी। आपका बाप बिल्कुल आपके पीछे खड़ा है, चोरी चोरी नोट करता है और संकल्प नोट करता है, क्रिया नोट नहीं करता, आइडिया नोट करता है, विचार नोट करता है, वो मेन पॉइंट पकड़ता है जहां से मशीन शुरू होती है कार्यवाही। आगे क्रिया कुछ भी याद क्या करें उसके मतलब है। तभी तो अर्जुन ने इतनी हत्याएं की और उसने संकल्प नोट किया कि मन मेरे अंदर है, हत्याएं कर रहा है, दुनिया देख रही है, गवाही दे रही है, करोड़ों गवाहियां खड़ी हो गई कोर्ट में, लेकिन भीतर का जो आइडिया था वो नोट करने वाला कहता है नहीं नहीं इसका मन मेरे पास था, सब गलत, इसने कोई हत्या नहीं की। प्रत्यक्षदर्शी गवाह फेल हो गए, क्योंकि मंशा देखी जाती है। संसारी गवर्नमेंट में भी किसी भी अपराध में मंशा मेन है, इसीलिए हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ है कि डाउट का फायदा मुल्जिम को दिया जाए, अर्थात भले ही गुनहगार छूट जाए लेकिन बेगुनाह को सजा न होने पाए, तो उसकी मंशा नोट की जाती है कि इसकी मंशा थी कि नहीं। उसने चाकू मारा और देखिए साहब मेरे घाव हुआ, तो मैंने एक फूसा मार दिया उसकी, वो पता नहीं कहां पेट में लगा कि वो मरी गया, तो डिफेंस में मैंने मारा, मैं क्या करूं, एक फूसे में मर गया, हार्ट में लग गया, कहां लग गया पता नहीं। साहब जब मेरे ऊपर वो छुरा मार रहा है तो मैं फूसा भी न मारू, उसको फांसी नहीं हो, क्योंकि मंशा मारने की तब हो जब तुमने हजारों फूसे मारे हो, हजारों लड़िया मारी हो, अब वो इतना बड़ा हथियार मार रहा है, तुमने एक घूसा मारा उसके अपने बचत के लिए, अब अचानक वो ऐसी जगह लग गया कि इतने घूसा में मर गया, ऐसा भी हो सकता है, और 50 घूसा मारे जाओ पीठ में कोई न मरे। वो स्थान की बात होती है, डॉक्टर लोग जानते हैं यहां पर एक ऐसी नस होती है कि ऐसे दो उंगली से डॉक्टर लोग ऐसे कर दे तो मर जाए। इन लोगों को पता है थक्की में मालूम है,
बतावे ना किसी को पता नहीं कौन किसका क्या कर दे। लेकिन ऐसी ऐसी जगह है हमारे शरीर में कि उसमें थोड़ा भी धक्का लग जाए तो बड़ा भारी कांड खड़ा हो जाए, और ऐसी जगह भी है कि वहां मारा करो तो अच्छा लगता है, वहां किसी को बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। बीच में दर्द हो रहा है, जरा घिसे से मारो तो कुछ देर मरवाते हैं लोग, दर्द अच्छा हो जाता है। तो यदि हम अपने मन में बार बार ये महसूस करने का अभ्यास करें कि वे हमारे साथ हैं, तो हम कुछ दिनों में आस्तिक बनेंगे, अर्थात हमारी ये फीलिंग अधिक समय तक ठहरने लगेगी कि हम अकेले नहीं हैं, हम वो हैं, हमारे साथ हमारे इष्टदेव हैं, हमारे शरण में गुरु हैं, उनकी कृपा हम चाहते हैं, इसलिए हम हमेशा सावधान हैं। अगर हम कोई बात गलत सोचेंगे और वो नोट कर रहे हैं तो कृपा नहीं मिलेगी। कृपा तो तभी मिलेगी जब सदा अनुकूल भाव से हम उनका चिंतन करेंगे, शरणागति तो तभी सिद्ध होगी। इस प्रकार हम कर्मयोग की साधना करें, और एक कर्म संन्यास की साधना होती है, जैसा आप लोग इस समय कर रहे हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं विशेष, जिसमें संसार का भी कोई वर्क न हो, जो भी आप अधिक से अधिक समय निकाल सकें, घंटा दो घंटा चार घंटा, वो कभी भी निकाले, रात को दिन को दोपहर को सवेरे, अपना कमरे में बैठ करके अपने सामने श्याम सुंदर को, किशोरी जी को, गुरु जी को खड़ा करके, और उनके गुणों को, उनकी लीलाओं को, उनके रूप के पदों को धीरे धीरे गाते हुए, को संकीर्तन कहते हैं, और उसी प्रकार के भाव मन में लाते जाओ, जो गाओ जो लाइन गाओ उसी के अनुसार अपने मन के भाव बनाने का अभ्यास करो, रूप ध्यान के साथ साथ बाल लीला गाओ, किशोर लीला गाओ, जो विजुअल सरकार की लीला गाओ, जिस प्रकार के पद गाओ, जिस प्रकार का नाम गाओ, उसी प्रकार का भाव भी बनाओ। एकांत में, एकांत का मतलब अकेले बैठो, चाहे मियां बीवी बैठो, चाहे बच्चे, एक स्थिति वाले लोग हो, एक चित्त वृत्ति वाले, एक लक्ष्य वाले, दो चार भी हो तो ठीक है, नहीं तो अकेले ही सही। लेकिन उस समय और कोई वर्क नहीं है, वो संन्यास अवस्था हो गई, आप गृहस्थी हैं, लेकिन एक घंटे को आप सन्यासी हो गए, दो घंटे को आप सन्यासी हो गए, मैंने सारा कर्म छोड़ दिया, और आपने कह दिया मेरे को इस समय कोई भी आवृत्त कर देना हो पूजा में बैठे, ऐसे वाक्य चाहे कोई लॉर्ड आवे कह देना पूजा में बैठे हैं, वो चाहे परम मित्र हो, और जो एक दो बार लोग जान जाएंगे कि ये दो घंटे पूजा में बैठते हैं सवेरे 6 से 8 तक, तो फिर दूसरी बार कोई नहीं आएगा, तो समझ लेंगे ये पूजा में बैठते हैं 6 से 8। तो इस प्रकार ये कर्म संन्यास की साधना जो आप इस समय यहां पर कर रहे हैं लगातार, इसको आप अपने घरों में जाकर के कुछ समय के लिए करें, निर्धारित करके नियमित रूप से करें, उसमें आलस्य न हो, प्रमाद न हो, लापरवाही न हो, अरे अभी तो जरा कुछ काम था अगले महीने में शुरू करेंगे, लेकिन अभी तो जरा अगले महीने में होगा, ये उधार किसने किया हो गया, उधार नहीं, एक घंटा ही आपको समय मिलता हो, ठीक है बहुत बिजी है तो आपको एक घंटा ही कीजिए, लेकिन उस समय आप राधा कृष्ण का चिंतन करते हुए उनके मिलन की परम व्याकुलता बढ़ाइए, और कामना कोई न रहे, ये ध्यान रहे, मोक्ष पर्यंत की कामना न रखिएगा कोई, उनका प्रेम चाहिए, उनका दर्शन चाहिए, उनका स्पर्श चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, बस वो निष्काम भावना और माधुर्य भाव का वो लक्ष्य बनाए रखना है, वो जाने न पा रहे, वो भले ही आप 10 बार बनावे तो एक बार बने कोई परवाह नहीं, 10 बार में एक बार बना ठीक है, कल 9 बार में बनेगा, कोई भी संसार का काम भी एकदम नहीं हो जाता, उसमें भी तमाम अभ्यास करना पड़ता है, साइकिल चलाना भी आप सीखे होंगे तो आप कई बार गिरे पड़े होंगे, कोई भी काम संसार का हो उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ दिन तो पहले जरा बड़ा परिश्रम पड़ता है, अजीब सा लगता है, लोग कहते हैं हमसे तो नहीं होगा,
ये हमने 15-20 प्रचारक बनाए हैं, इसमें एक भी ऐसा नहीं जिसने कहा हो कि हम बोल देंगे। महाराज जी भला मैं कैसे बोलूंगा, मुझसे नहीं होगा। अब वो सब एक साल के 6 महीने में सब तैयार लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बोल रहे हैं। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको मनुष्य न कर सके। यदि संकल्प सत्य है, तत्मयोयम पुरुषः तस्मात् कतुं कुर्वीत, वेद कहता है। इस मनुष्य में संकल्प शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति दी है भगवान ने कि उस शक्ति के द्वारा यदि दृढ़ता लावे, प्रतिज्ञा करे, तो मनुष्य सब कुछ कर सकता है, सब कुछ पा सकता है। वो चाहे सही क्षेत्र में जाए, चाहे गलत क्षेत्र में जाए, कहीं भी जा सकता है। तो हम एकांत में कुछ समय नियत करके इस प्रकार इसी बाजे का सहारा लेकर के, बाजा बजाना नहीं अभी आता है तो टुन टुन करते रहो, ताकि बाहर का शब्द आपके कान में ना आवे। गृहस्थ में रहते हैं आप, ये जरूरी नहीं कि कलाबाजी आपको, बाजे की गायन कला आती हो। अरे ऐसे बाजे का 2-3-4 सौ खोल लिया हो, पी पी कर रहा है, कम से कम बाहर की आवाज नहीं आ रही है। एक तारा ले लिया उसी को टुन टुन बजा रहे, एक झांझ ले लिया उसी को टन टन बजा रहे, तो कम से कम बाहर का डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपके कान में आकर के, वो एक तस्तरी गिरी तो भी या चिंतन करने लगे उसका। तो इस प्रकार आप एकांत में साधना करते हैं, जैसे यह कर रहे हैं, यही कर्म संन्यास की साधना है। अब यही कर्म संन्यास जिसका सदा को हो जाता है उसको कर्म संन्यासी बोलते हैं, सदा को जिसका हो जाता है। तो जब कर्म संन्यासी कोई सदा को हो जाता है, और होने के बाद जब वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, तो फिर वो कर्मयोगी भी पूर्ण रह सकता है। ये कर्म संन्यास जरूरी इसलिए है कि संसार का वातावरण बहुत ही गड़बड़ है, तो उसमें रह करके हम ईश्वर में मन लगाने वाला जो मेन पॉइंट है, योग जिसे हम कह रहे हैं, उस योग को हम नहीं कर पाते हैं। वर्तमान युग में इतना एटमॉस्फेयर गंदा है, हम छल कपट नहीं करना चाहते, लेकिन छल कपट वालों से हमारा संपर्क हो रहा है, तो उसके छल कपट से बचने के लिए छल कपट खोपड़ी में लाना पड़ता। अरे हम तो दूसरे के साथ नहीं करना चाहते, लेकिन हमको कोई ठग न ले, इससे बचने के लिए हमें छल कपट का चिंतन करना पड़ता है, ये मुसीबत है। इसलिए हम अगर ये कर्म संन्यास की साधना करते रहेंगे तो ये हमारा हेल्पर होगा, इसके हमको जो ताकत मिलेगी वो बाकी टाइम में संभाले रहेगा। देखो फिजिकल व्यायाम करते हैं लोग, आसन करो अथवा ऐसे कसरत करो कोई, या दौड़ो या फास्ट वॉकिंग करो, तो देखो ये व्यायाम जो लोग करते हैं 1/2 घंटे 15 मिनट करते हैं। दिन भर नहीं कोई दौड़ता, दिन भर कोई आसन नहीं किया करता, लेकिन ये 1/2 घंटे का वर्क उसको दिन भर पावर देता है और वो शरीर स्वस्थ रहता है उसका। तो उसी प्रकार आप कर्म संन्यास की साधना जो ये करेंगे कुछ देर तक, तो ये आपको बाकी टाइम में हेल्प करेगा। बहुत तेज गति से आप नहीं चल सकेंगे ये मैं मानता हूं, लेकिन धीमे ही सही, कुछ आगे तो बढ़े, पीछे तो ना हटे कम से कम। फिर जब आप एकदम कर्म संन्यासी बन करके केवल ईश्वर भक्ति ही करेंगे, संसारी वातावरण को छोड़ करके, तो फिर बात ही क्या है, क्षण क्षण में आगे बढ़ेंगे। और वास्तव में कर्मयोगी तभी कोई व्यक्ति बन पाता है जब योगी बन जाए, यानी जब उसका भगवान से इतना प्यार हो जाए कि बिना प्यार किए रहा न जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, तब वो कर्म जो करता है फिर कर्म में उसकी आसक्ति नहीं होती। लेकिन जब तक वो अवस्था नहीं आती तब तक नथिंग से समथिंग अच्छा है, कुछ तो करते चलो। घर में एक के पास कार है, वो जल्दी कुंडा पहुंच जाएगा, हम एक कैसे जा रहे हैं, ठीक है फॉर्मेलिटी में पहुंचेंगे, हम पैदल जा रहे हैं 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, पहुंचना सबको है। अब अगर कोई कर्म संन्यासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और उसने कहा हम दिन रात इसी में लगा देंगे, ठीक है भाई, फिर तो कमाई ज्यादा हो ही रही है,
लेकिन अगर इतनी कमाई नहीं हो रही है किसी की तो थोड़ी ही कमाई करो। अगर खीर पूरी नहीं सही तो सूखी रोटी सही, कुछ तो मिलना चाहिए पेट को, आत्मा भी पूरा। इस प्रकार कर्म संन्यास की भी साधना हम करें और कर्मयोग की साधना भी हम करें, दोनों को मिला करके चले तो, और फिर हम अपने समय को बचाए रहे कि भाई कर्म संन्यास की साधना के लिए एक महीने का समय महाराज जी ने रखा है, इस एक महीने को हम बचाए रखें, छुट्टियों को बचाए रखें, सर्विस वाले और भी व्यापार वाले हो कोई हो अपना हिसाब बिठा ले कि भाई हम एक महीना इसमें देंगे, बड़ी मजबूरी हो जाए अच्छा 20 दिन देंगे, अच्छा 15 दिन अवश्य देंगे, जितना अधिक समय दे सके इस लाभ के लेने में, तो फिर ये विशेष पावर मिलेगी। अब आप लोग जब यहाँ से अपने घरों को जाएंगे तो यही मंगल का सत्संग भवन आपको कई दिन तक गूंजता रहेगा खोपड़ी में, और वही राधा रमना गूंजेगा, और आप उस एटमॉस्फेयर में जाके इतने परेशान होंगे कहाँ आ गए नरक में। लेकिन जब कुछ दिन उस एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो फिर ये भूल जाएगा मंगल। ऐसा हिसाब है कि जो वातावरण बार बार मिलता है वही हावी हो जाता है, बार 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 कोई वातावरण हो, स्पिरिचुअल हो चाहे मटीरियल हो, जो भी वातावरण बार बार मिलेगा बस वही आपके ऊपर अधिकार कर लेगा। इसलिए हमको अधिक से अधिक समय निकाल करके साधना में आना चाहिए, और अपने घर में जितना अधिक से अधिक समय मिल सके कर्म संन्यास की साधना भी करें और शेष कर्म योग की भी करें। इस प्रकार हम साधना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक सबसे और इंपॉर्टेंट बात है, वो भी समझ लीजिए क्योंकि मुझे अब इस पद की व्याख्या आगे नहीं बढ़ाना है। ये सब तो मैंने आपको बताया कमाई की बात, अब कमाई की बात सुन लीजिए थोड़ी सी। हम लोग जो कुछ भी कमाते हैं उसका उतना महत्व नहीं है जितना महत्व खर्च करने का। एक आदमी लखपति बन जाता है, उससे पूछा गया तुमने लाइफ में कितना कमाया, कुल उन्होंने कहा 2 लाख, और कितना बचाया 1 लाख। दूसरे से पूछा तुमने कुल कितना कमाया 4 लाख, कितना कमाया 5 लाख, यानी 1 लाख कर्जा। भाई वो तो 2 लाख कमाया उसने, 1 लाख बचा लिया, और तुमने 4 लाख कमाया फिर भी 1 लाख कर्जदार हो। आज ही ऐसा है कि जरा कुछ वहां चले गए थे, जरा ऐसा हो गया था, जरा रुआब में आ गए थे लड़की की शादी में, हो फूक दिया रुपया, उधर अपना आ गया रुआब में तो ये कर दिया, उधर चले गए तो यहाँ खर्चा हो गया, और फिर साहब हम तो एयर कंडीशन में चलते हैं, हम तो हवाई जहाज से चलते हैं, इत्यादि इत्यादि बातें करके अपना हो। यानी कमाई मेन है, कमाई करने मात्र से काम नहीं चलेगा। हम आय व्यय का हिसाब जो रखते हैं बही खाते में, जमा नाम यानी आय व्यय, इसमें हमें व्यय पर ध्यान देना है कि व्यय ना हो तो अच्छा, हो तो उतना कम से कम हो उतना अच्छा। यानी संसार में जैसे घोर कृपण होता है, कमाने कमाना जिसका लक्ष्य है, इस प्रकार हमें स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी को बचाना है, यानी कुसंग से बचना। कुसंग सबसे भयानक है। देखो जिस अजामिल का इतिहास आप लोग सुनते हैं, सबसे बड़ा पापी था, उस अजामिल को भागवत में लिखा है कि उस अजामिल को पूरे शास्त्र वेद का ज्ञान था, नंबर 1, प्लस प्रैक्टिकल धर्मात्मा था, प्लस जितेंद्रिय भी था। ये सब शब्द है भागवत में, पढ़ लें। लेकिन उसने एक कुसंग देखा, एक कुसंग देखा आंख से, उस कुसंग ने उसको इतना गिरा दिया
कि वो पापियों में एग्जाम्पल बन गया, एक क्षण के कुसंग में। तो हम लोग जो बहुत अधिक ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, अपने को पता नहीं हम लोग क्या समझ लेते हैं जी, मेरा कुसंग क्या कर लेगा, मैं सब कुछ समझ गया हूं। अरे समझ तो गए हो लेकिन पा नहीं गए अभी, अभी बचो, संभलो, सावधान रहो, अभी गंगा पार नहीं हुए, नाव डूब जाएगी, मर जाओगे। आखिरी क्षण तक सावधान रहना है। भगवान उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इनके खिलाफ न कुछ सुनना है, न कुछ बोलना है, न कुछ सोचना है, न कुछ पढ़ना है। ये प्रमुख नामापराध हैं, सबसे बड़े पाप ब्रह्महत्या वगैरह इससे नीचे है। सब पापों का प्रायश्चित शास्त्र में लिखा है लेकिन नामापराध का कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए हमको इन सब अपराधों से बचना है। सत्संगी सत्संगी के घर में जाते हैं, जाने दो, लेकिन उससे कह दो कि भाई देखो हमारे पास आओ तो केवल राधा कृष्ण और गुरु की चर्चा ही करो, तब तो आओ। और अगर तुमने कहा वो बड़ा मक्कार है, वो बड़ी मक्कार है, वो बड़ा ऐसा है, ये सब करना हो तो भाई नमस्ते, हमारे यहां बता दो साफ जवाब, भले ही वो फील करे और 50 गाली दे के जाए, तुम्हारे घर में कदम न रखेंगे, बड़ा अच्छा हुआ आपने प्रतिज्ञा कर लिया, हमारा कल्याण हो गया, अब हम बताइए हमारे घर हम भर पाए आप। होता ये है कि सत्संग भी होता, आप लोग एक दूसरे घर जाते हैं तो कुछ देर तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कुछ कीर्तन भी किया, उसके बाद बैठे, अरे भाई वो उसके यहाँ मैंने सुना है, ये सब क्या होने लगा, तुम क्या कमाने लगे, तुम अभी तो तुम हरगुण गा रहे थे और अब ये तुम परदोष चिंतन निंदा ये सब कहा, किस चक्कर में पड़ गए, तुम सर्वज्ञ हो गए, किसी के अंतःकरण को तुम जान भी नहीं सकते हो, तो तुम कैसे कहते हो अब साधक खराब है। तुमको सबको अपने से अच्छा मानना चाहिए, तो अधिक संपर्क भी किसी साधक को साधक से नहीं रखना चाहिए, संसार का व्यवहार संसार के घर में से रखना चाहिए, लेकिन जब संपर्क हो तो सत्संग का ही संपर्क हो। जब कोई किसी से मिले तो भगवत विषय का विषय हो तभी मिले, तभी बात उसकी आपस में हो, और उसके आगे बात करना हो चाहे, अच्छा भाई अब तो ऐसा है कि मैं जा रहा हूं, मुझे बड़ा जरूरी काम है, फिर भी न माने अगर वो, भाई देखो ऐसा है कि हम लोग सत्संग के लिए दृष्टि से दूसरे से मिलते हैं, तो ये सब बातें तो हम लोग जीवन में बहुत कर चुके हैं, वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है, हम अच्छे हैं, अब तो इसको छोड़ना है, अब तो ये सोचना है मौसम कौन लिखल काबिज, और सब अच्छे हैं, मैं ही खराब हूं, अब तो इसका चिंतन करना है। अब हम लोगों का मार्ग आध्यात्मिक है, जब हमको सही गार्डियन मिल गया है, उसने मार्ग बता दिया है, तो अपना सर्वनाश जान बूझ के हम लोग क्यों करें, और फिर अगर न कमाए तो कम से कम कमावे तो लो, अरे भाई कोई आदमी नहीं कमाता है तो कम से कम खर्च तो ना करे, नुकसान तो ना करे, हम प्लस ना करें और माइनस करते जाए, या प्लस 1 करें माइनस 2 करें तो फिर क्या होगा, और फिर उस तरह तो बहुत जल्दी हावी हो जाता है, सत्संग देर में हावी होता है, क्योंकि कुसंग में हमारी प्रवृत्ति अनादिकाल से है, बहुत जल्दी हम उस तरफ पड़ जाते हैं। झूठ मूठ को एक आदमी से जाके सत्संगी से कहा है, तुमने क्या वो सत्संगी है ना, हा? उसका वो सामान चुरा ले गया, अच्छा बाद में वो खबर मिली, अरे वो गप झोंक रहा था, दिमाग को खराब कर लिया तुमने, बाद में खबर लगेगी। अरे सत्संगी क्या सब माइक जीव तो है, इतनी सफेद झूठ बोलते हैं, इसी में बैठे हुए बहुत से लोग हमारा नाम ले लेते हैं, महाराज जी ने कहा है तुम्हारे लिए बड़ा खराब आदमी, महाराज जी ने तो कहा नहीं, अगर दोनों पेश भी हुए कितना झूठ बोल जाएगा, मैंने तो कहा महाराज जी ने कहा,
तो ये संसारी जीव है, इनका बहुत पुराना अभ्यास है, कुछ लोगों का यही धंधा है। घर गए उसके घर गए, वहां बुराई किया, वहां बुराई किया, कुछ हमको रुपया दे दीजिए, कुछ कोई स्वार्थ, किसी का कोई स्वार्थ। ये सब चीजें आप लोग व्यवहार जगत के कार्य पान लीजिए, किसी को सत्संगी न मान लीजिए कि वो सत संगी है। अरे वो कुसंगी भी है, माइक जीव है, उससे सावधान रहिए अपना, और केवल भगवत विषय तक नाता रखिए और वही तक संबंध रखिए, उसके आगे न बढ़िए। तो इस प्रकार सत्संगियों के कुसंग से भी बचिए और बाहर के कुसंग से भी यथाशक्ति बचिए, जहां तक हो सके बचिए, आगे न बढ़ने दीजिए। देखो अगर आग लग जाती है किसी की धोती में, महिलाओं के खाना बनाते समय वही तुरंत दबा देती है, तमाम महिलाओं के ऐसा है, होता है कहीं शरीर में जलता वही कपड़े को दबा दिए, और अगर वो बढ़ गई तो फिर आप लोग जानते हैं जब बड़े बड़े घरों में और बड़े बड़े नगरों में जब बड़ी बड़ी आग लग जाती है तो उसमें बड़े बड़े फायर ब्रिगेड फेल हो जाते हैं, अब तो लग जाते हैं आग। इसी प्रकार ये हमारे दोष जो है, अगर हमने तुरंत नहीं काट दिया कुसंग को और चिंतन करके चले गए कुछ देर तक, कुछ दिन तक, तो उतने वो बलवान हो जाएंगे, फिर पीछे लौटने में उतनी मेहनत पड़ेगी हमको, और फिर क्या पता हो सकता है न भी लौटे, ऐसा भी हो सकता है। देखो अजानु कहां तक पहुंच गया था, अनवरत चिंतन करते करते। इसलिए कुसंग से हमको बचना है। कुसंग का प्रकरण बहुत लंबा चौड़ा है वैसे, लेकिन संक्षेप में मैंने आपको बता दिया, और ये भी आप समझे रहिए कि तमाम किताबों का पढ़ना भी कुसंग है। ये सब चीजें तो वह व्यक्ति करता है जिसको तत्त्व ज्ञान न मिला हो, जिसको सही सही बात का पता चल गया है, उसे किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, कोई किताब नहीं पढ़ना है हमको। हमको तो अब करना है, हमको अब प्रैक्टिकल करना है, उससे लाभ होना है। किताब को पढ़ करके हमें कुछ नहीं पा सकते हम, किताब का सार तो केवल महापुरुष ही समझा सकता है, और अगर वो कोई मिल गया है और समझा दिया है और मैं समझ चुका हूं, तो हमें किताबों में नहीं पढ़ना चाहिए। वरना एक डाउट कहीं पैदा हो गया किसी किताब का, परेशान है, अब गुरु जी मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे, जब पूछ लिया समझ में आ गया, दूसरा डाउट एक और पैदा हो गया, फिर मिलेंगे, तो यही किया करो तुम साधना कब करोगे। इसलिए न बाबाओं के चक्कर में पढ़ना है, न किताबों के चक्कर में पढ़ना है। एक संत भी है लेकिन वो हमारे मार्ग के अनुकूल नहीं है, उसका मार्ग कुछ और है, वो पूर्ण संत है, ठीक है, लेकिन हम किस मार्ग से चल रहे हैं, उस मार्ग का हमें कोई सहायक हो तो हमें लाभ मिलेगा। अगर उस मार्ग के अलावा और मार्ग द्वारा गया है वो संत, तो ठीक है दूर से नमस्कार कर लो, लेकिन उसका संग भी कुसंग हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो और चीज बताएगा तो तुम कहोगे गलत बोलता है, ये कुछ नहीं जानता, और कहीं वाकई संत हो तो फंस गए तो नामा पड़ा दो। इसलिए किसी के चक्कर में पड़नी नहीं है। अगर तुमको ये विश्वास है कि हमने जो कुछ समझा है ठीक समझा है, और अब मुझे करना ही करना है, वरना बहुत से ऐसे होंगे, कोई बाबा जी आए चलो सत्संग करिया, ओ बाबा जी भोलू भट्ट कुछ जानते नहीं, अंड बंड बोल गए, हम उसको सुन रहे हैं छाट से, और सुनने के बाद गलत फलत खोपड़ी में भर गया, अब वो साल भर बाद गुरु जी मिलेंगे, छह महीने बाद तो उनसे पूछेंगे गुरु जी ऐसा कैसे है, ये किसने कहा तुमसे, वो एक जगह लेक्चर में गए थे वहां सुना था, क्यों गए थे, तो बाबा जी थे संत थे महात्मा थे, अरे जो ही कपड़ा रंगा ले जो ही चार किताब पढ़ के बोलने लगे सब संत जी हो गए वो, अरे तत्व ज्ञान तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा मिलता है, वो ऐसी चीज थोड़े ही है कि अगर कोई भी किताब पढ़ के जो कुछ बोलेगा वो शास्त्रीय तत्व ज्ञान है, ऐसे तो क्या है, कोई भी कल्याण दस बारह कल्याण को पढ़ लो अपना, पढ़ पढ़ के बोलते रहो, तमाम बाबा लोग बोलते हैं, कभी कुछ बोल ले कभी कुछ बोल ले, देखो रामायण बोलने वालों को कभी कह रहे हैं भरत जी सर्वोच्च संत थे, वही रामायण जबलपुर में ऐसा कहता है, वही कानपुर में आज कहता है भरत नीचे थे हनुमान जी सबसे ऊंचे थे, और बनारस में जाकर कोई बोलता है नहीं नहीं लक्ष्मण उनसे भी ऊंचे थे, क्या पागल की तरह बोलता,
उसको पता ही नहीं है कि लक्ष्मण कौन है, भरत कौन है, शत्रुघ्न कौन है, हनुमान कौन है, इनका ओरिजिनल रूप क्या है, वो जानते नहीं है। वो तो उसी रामायण की चौपाई में से देखो, यहाँ अति लिखा है, यहाँ बहुत लिखा है, यहाँ अधिका लिखा है, शब्दों के जगत में मंडराते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा इनका प्रवचन सुनना भी कुसंग है, आपको शंकाएं पैदा कर देंगे, आप परेशान होंगे, और परेशानी दूर करने के लिए आपके गुरु जी पता नहीं कब मिले। इसलिए हमें शंकाओं को पैदा करने का साधन नहीं बनाना है, शंकाएं तो हमें भगवत प्राप्ति तक पैदा हो सकती हैं अगर हम पैदा करना चाहें तो, लेकिन उससे हमारी हानि है। हमको तो शंकाओं को मिटा करके, विश्वास करके, फेंक करके ईश्वर की ओर चलना है, ताकि हम प्रैक्टिकल आगे बढ़े, और जब अनुभव में आगे बढ़ेंगे तो वो शंकाएं अपने आप निकलती चली जाएंगी, उनको हमें हल करने की आवश्यकता किताबों के द्वारा या गुरु के द्वारा नहीं होगी। इस प्रकार कुसंग से भी हम बचे, सत्संग भी करे, कुसंग से भी बचे, अंतरंग सत्संग भी करे, बहिरंग सत्संग भी करे, अंतरंग कुसंग से भी बचे, बहिरंग कुसंग से भी बचे। ये हमारी जो हानि वाली चीज है, इससे हमको बहुत सावधान रहना है। भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः, भरत जी ने कहा था कि भक्ति मार्ग में जो बहस करता है वो भी अपराध है। अगर कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ पूछता है और आपने ठीक जवाब दे दिया और देख लिया है जिद्दी है, नहीं मानता, ठीक है आप ठीक कहते हैं, बात चुप हो जाओ बिल्कुल, अब मेरी ना जिद्दी है नहीं, आप बहुत ज्यादा जानते हैं, खत्म करो बात, बहस न करो, आगे बढ़ाओ, क्योंकि तो वो जिद करके आया है कि हम इसके खिलाफ बोलेंगे, अब तुम उससे भिड़ोगे फिर तुम्हें टेंशन होगा, तुमको अशांति होगी, फिर तुम रोड़ झगड़ोगे, फिर और बात बढ़ सकती है। इसलिए किसी को तुम्हें गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई जिज्ञासु हो कि कुछ जानना ही चाहता है तो जहां तक तुम्हें ज्ञान है समझा दो, लेकिन जहां देख लो कि जिद कर रहा है वही चुप हो जाओ और मान लो, हाँ आप ठीक कर, ठीक है ठीक है, आप ख्याल बात खत्म करो, आगे ना बढ़ो, क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, कुछ लोगों का यही लक्ष्य है लो चिढ़ाओ उसको, इसके खिलाफ बोलो, ये जो कुछ कहे उसका उल्टा बोलो, और फिर आप परेशान होंगे क्योंकि आपको पूर्ण ज्ञान तो है नहीं कि आप महापुरुष हैं, चलो भाई जो कुछ बोलेगा भिड़ देंगे उससे, सब प्रमाण हमारे पास है, और फिर महापुरुष के पास तो अनंत आनंद है, अनंत ज्ञान है, उसको कौन प्रसंग क्या करेगा, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे राहत भुजंग, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए तो मामूली कुसंग भी भयानक बन जाता है। इसलिए कुसंग से बचकर इस प्रकार हम कर्म योग और कर्म संन्यास की साधना करें तो हमारा काम बन जाएगा। बस यही काम की बात थी। बोलिए लाड़ी लाल की जय।